गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, इस वीडियो के द्वारा हम जानेंगे शिक्षा की प्रकृति। शिक्षा की प्रकृति कई प्रकार की है, जैसे कि शिक्षा एक गतिशील, शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। सबसे पहले हम देखेंगे कि सामाजिक आवश्यकताओं के अनुसार ही बालक के विचारों तथा व्यवहार में परिवर्तन लाता है। इसी कारण डीवी ने शिक्षा को समाज की प्रक्रिया माना है। दूसरी जो है शिक्षा की प्रकृति, वह है कि शिक्षा विकास की एक प्रक्रिया है। शिक्षा जो है ऐसा माना जाता है कि जन्म से के समय बालक कुछ शक्तियां लेकर पैदा होता है, इसी कारण इन शक्तियों को जन्मजात शक्तियां कहते हैं। और शिक्षा इन जन्मजात शक्तियों का विकास करती है और शिक्षा बालकों को उनकी संस्कृति का ज्ञान कराती है। शिक्षा बालकों को इस योग्य बनाती है कि सांस्कृतिक विकास में योगदान दे सकें। तीसरी है शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया है। शिक्षा जो है एक सामाजिक प्रक्रिया है और यह समाज को गतिशीलता प्रदान करती है। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, लाइक बटन को प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों तक, अपने फ्रेंड्स तक, व्हाट्सएप ग्रुप्स के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से और फेसबुक के माध्यम से। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक भी किया होगा और इसके साथ साथ वीडियो को शेयर भी किया होगा। और जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उन्होंने चैनल को भी सब्सक्राइब किया होगा तथा बेल आइकन को भी प्रेस किया होगा। तो दोस्तों, इसी आशा के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।